तो पिवट टेबल का यूज होता है किसी भी डेटा को समराइज, एनालाइज एंड रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, छोटा सा डेटा है कि नेम, किस डेट को, किस पर्सन ने, किस सिटी में, कौन सा कोर्स, कितनी क्वांटिटी और कितनी एमआरपी पे खरीदा या बाय किया है। अब मुझे पता करना है कि भाई ओवरऑल कौन से कोर्स में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, इसकी एक इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। तो इसके लिए हम जाएंगे डेटा के स्टार्टिंग पे सिलेक्ट करके इंसर्ट में पिवट टेबल, जस्ट पिवट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा, जस्ट इसमें आप ओके प्रेस कर दीजिए, एक नई शीट पे आ जाएगा। अब एक नई शीट पे जब आएंगे तो कुछ इस तरह का एक पिवट टेबल का लिंक साइड में खुला हुआ आ जाता है। उस पे आपको बस अपना डेटा को पिट करना है कि कोर्स एंड क्वांटिटी को उठा के मैंने रो एंड कॉलम में रख दिया, और यहाँ देखें कि आपके सामने डेटा बन के तैयार हो गया। थोड़ा सा रिपीट कीजिए, थोड़ा सा ओके डिस्टर्ब करना, रिपीट सर, इसका कीजिए। फिर प्रॉफिट क्या है? मतलब इस तरह से हम शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट नहीं किया हमने, समराइज किया हमने। समराइज आप देखिए, आपके सामने सेल्स है, इतना ज्यादा सेल्स है। अब मान लीजिए कि आप एक शॉपकीपर है, राइट, एक दुकानदार आप है, हाँ और आपने आपकी ठीक दुकान पे बंदे काम करते हैं, आपके पास कई सारे दुकान है। अब दुकान के अंदर जाकर बोलेंगे भाई चल आज का सेल दिखा, तो इस तरह से बोलेगा कि मैं 2 रुपए का धनिया बेचा, 2 रुपए का मिर्ची बेचा, 10 रुपए का मैं फलाना बेचा, ठिकाना बेचा, ये बेचा, वो बेचा, ऐसे बेचा। तो क्या लग रहा है कि दिन भर में अगर 5,000 आइटम बिका है तो 5,000 आइटम को एक एक करके देखेंगे? तो नहीं। आप बोलेंगे कि भाई ठीक है, कैटेगरी वाइज सेल बताओ कि ग्रोसरी कितना सेल हुआ है, होम अप्लायंस कितना सेल हुआ है, डेयरी प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, वेजिटेबल कितना सेल हुआ है, इस तरह से पूछेंगे ना आप। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे कोर्सेज है मेरे, और कोर्सेज की मान लीजिए कि मेरे डीवीडीज है, मेरी जो एप्स है वो ऐप बिका है। अब मुझे बोलेगा सर मोहन ने वीवीए की 18 कोर्सेज को परचेज किया है और फलाने ने इतना परचेज किया, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं तो एक कोर्स भेज लूंगा, क्योंकि मैं एक ऑनर हूँ और मेरे पास इतनी टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज को देखूँ। तो एक एक चीज देखने के लिए हमने ऑडिटर को रखा हुआ है, ऑडिटर रखा हुआ जो ऑडिट करता है, हमें तो बस हाइलाइट्स चाहिए ना। तो इस हाइलाइट्स के लिए अब मान लीजिए कि मैं एक एक करूंगा, यहाँ पे एक्सेल लिखूंगा, अब एक्सेल को फिल्टर लगाऊंगा कि भाई एक्सेल का कितना सेल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट किया एक्सेल को, और एक्सेल को यहाँ देखा, और देखने के बाद फिर इसका सेलेक्ट करके टोटल किया, टोटल कितना आया, टोटल है 1015, ठीक है। फिर जाऊंगा इसके सामने लिखूंगा 1015। तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना मैम। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा को करेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करेंगे पिवट टेबल, ओके करते एक नई शीट पे आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा। ये आपका डेटा आ गया, ये आपके डेटा के हेडिंग्स आ गए, भाई 4 सेक्शन हो गया। बस हेडिंग को उठा के इन 4 सेक्शन में रखते ही यहाँ ऑटोमेटिकली पिवट बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने कोर्स को उठा के रखा रो में, अब एक चीज देखिए कि यहाँ पे एक कोर्स एक ही बार है, पर डेटा में एक कोर्स कई बार है, हाँ बट यहाँ पे तो एक ही बार है ना, क्योंकि यहाँ सर समरी क्लिक पाइवोट है। मीनिंग क्या है, सर पाइवोट मीनिंग क्या है? सर पिवट का मीनिंग तो मुझे नहीं पता, बट पिवट एक ऑप्शन है, ठीक है ना। और इसका डेफिनेशन तो पता है कि वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर द एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। अब इस पिवट वर्ड का मीनिंग क्या है, इस पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं, लेकिन आपने पूछा गूगल है तो मैं एक बार देखूंगा। तो पिवट टेबल एक ऑप्शन है। जरूर। उसके बाद मैंने कोर्स को यहाँ पे रो में रख दिया और मैं यहाँ क्वांटिटी को रख दिया वैल्यू में। कहाँ रख दिया, वैल्यू में। वैल्यू में रखने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उनके टोटल आ गए। आपने देखा था ना एक्सेल का, मैं 105 जो किया था, यहाँ ऑटोमेटिक टोटल आ गया, आ गया। अब इसको इसको रिपोर्ट में कन्वर्ट करना है, तो जैसे रो लेबल आ रहा है, इसको जगह पे मैंने कर दिया कोर्स, क्या कर दिया कोर्स, और क्वांटिटी की जगह पे लिख दिया टोटल सेल्स। तो ये चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सबको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे बी आई है तो मैं इसको लिख देता हूँ पावर बी आई, इस सबको भी अपने हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूँ। चेंज किसको नहीं कर सकता, अमाउंट को नहीं कर सकता,
जो आपके अमाउंट्स है उस अमाउंट्स को मैं चेंज नहीं कर सकता, समझे? जो ये टोटल सेल है उसको हम नहीं कर सकते, ये जो यहाँ जो फिगर में आ रहा है, नंबर में आ रहा है ना, उसको नहीं कर सकते। और सर जैसे ये चार है फिल्टर और कॉलम, तो इसको हम छोड़ देंगे? हाँ, जरूरत के हिसाब से लेंगे ना, जो जरूरत होगा तो मुझे अभी जो डेटा चाहिए वो मिल गया, अब मेरा जरूरत बढ़ जाता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई किस सिटी में कितना सेल हुआ, समझे? किस सिटी में मेरा कितना सेल हुआ है ये पता करना है। तो अब मेरा जरूरत बढ़ गया तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां आऊंगा और सिटी को उठाऊंगा और रख दूंगा कॉलर में। ये मेरा मैट्रिक्स फॉर्मेट में आ गया कि एक्सेल जो है पुणे में कोई सेल नहीं है, दिल्ली में 409 का सेल है, नोएडा में नहीं है, फिर उदयपुर में है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है? तो मेरा मैट्रिक्स फॉर्मेट रो एंड कॉलम के हिसाब से मैट्रिक्स फॉर्मेट में मेरा डेटा बन के तैयार। ठीक है सर। और फिल्टर में क्या डालेंगे सर, एक बार ये भी फिल्टर में? हाँ, फिल्टर में जैसे मान लीजिए ये तो ओवरऑल सेल दिखाया, और फिल्टर में मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर बंदे का सेल चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से एक बोला, रवि ने बोला, रवि ने बोला कि मेरा सेल दिखाओ, मेरा सेल क्या हुआ, तो आप क्या करेंगे? अच्छा। रवि को उठा के फिल्टर में रख देंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब मान लीजिए मैंने रवि को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, अब मेरा पूरा रिपोर्ट रवि के अकॉर्डिंग, रवि ने एक्सेल और पावर बीआई को उदयपुर में बेचा है। ब्रो, अब ब्रो म्यूट कर ले सर, आप म्यूट कर लो अपना। तो इस तरह का यूज करते हैं। तो पिवट टेबल एक रिपोर्ट बनाने के काम आता है। ऑफिस में आपका 70% जो रिपोर्ट है वो आपको एक्सेल में पिवट टेबल की मदद से बन जाती है। जैसे कोई डेटा है, उस डेटा से मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम पिवट टेबल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेटा तो होता है क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है? क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन। और मुझे उसमें से इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस केस में हम पिवट का यूज करते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे एक रिपोर्ट बना के भेजनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक रिपोर्ट बना हुआ है, ठीक है? मुझे ऐसे ही रिपोर्ट बना के भेजनी है तो मैं यहाँ सिटी को हटा देता हूँ और नेम रहने देता हूँ, और यहीं पे इंसर्ट के अंदर चार्ट्स होते हैं। अब चार्ट्स का यूज क्यों करते हैं? कंपेयर करने के लिए। अब जैसे ये देखो छोटा है, फेवर है, 1000-2000 की बात है, तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे हाइएस्ट कौन सा है, सबसे लोएस्ट कौन सा है। लेकिन यही अगर लाखों करोड़ों में होता तो पता करना मुश्किल था ना। तो अच्छी विजुलाइजेशन के लिए हम पिवट के साथ चार्ट भी बनाते हैं। कैसे? पिवट पे क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही यहाँ इंसर्ट के अंदर बहुत सारे चार्ट। अब रिकमेंड चार्ट होता है तो रिकमेंड करता है कि इस पे किस तरह का चार्ट बनेगा, आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर दो या अपने हिसाब से चार्ट चूज कर सकते हो। अब चार्ट जब चूज कर लिया तो चार्ट को इस तरह से बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर ले, और इसकी भी एक डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग होती है जो कि ऊपर डिजाइन में दिखेगा। जब चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तब, या ऊपर ना जाते हैं तो नीचे ये देखिए ब्रश का ऑप्शन दिख रहा है, इसी ब्रश में ब्रश पे क्लिक कीजिए और अपने चार्ट के डिजाइन को सिलेक्ट कर लीजिए कि आपका चार्ट कैसा दिखेगा। जैसे मैं सोचा ऐसा दिखेगा। अब रिपोर्ट बना लिया, अब इस रिपोर्ट को किसी को भेज सकते हैं तो इजिली पता चल जाएगा कि सबसे हाइएस्ट सेल वीवीए का था और सबसे लोएस्ट सेल एसक्यूएल का था। तो पिवट टेबल इसी को कहते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ, डेटा को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, पिवट टेबल पे क्लिक करना है, और पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पहले पता करना है कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि जब तक आपको आपकी इंफॉर्मेशन में पता चले कि मुझे चाहिए क्या, तब तक आप जो है पिवट का सही इस्तेमाल नहीं जान पाइएगा। तो मान लीजिए मुझे चाहिए कि किस पर्सन ने किस सिटी में कौन से कोर्स पे कितना क्वांटिटी सेल किया, राइट?
तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम पिवट लगाएंगे, इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके। अब मैं यहां पे लिखूंगा कि नेम, पर्सन का नेम आ गया। उसके बाद आता है हमारा सिटी, तो सिटी को मान लीजिए हमने कॉलर में रख दिया। फिर आता है कोर्स का नेम, जो कि हम ये कॉलर में रखेंगे तो हॉरिजॉन्टली खुद बहुत बड़ा हो जाएगा, तो देखने में दिक्कत होगी, तो हम यहाँ ना रख के हम रो के नीचे रख देते हैं, तो इस तरह से दिखेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम जो क्वांटिटी है जिसका टोटल करना है, जिसपे मुझे फॉर्मूला लगाना है, वो हमेशा वैल्यू के अंदर आएगा। तो वैल्यू में डिफॉल्ट इसने क्या दिखा दिया? सम दिखा दिया। सम के जगह पे इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे सम काउंट एवरेज मिनिमम मैक्सिमम आपको शो कर जाएगा। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये आपका रिपोर्ट बन गया, आप किसी को भेज सकते हैं। इसमें ये देखिए ये प्लस माइनस का निशान है, इसको कोलैप्स एक्सपेन करते हैं आपने कई जगहों पे देखा भी होगा। हालांकि डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने होता है प्लस और माइनस, तो इकट्ठा कर सकते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि कॉलम में बहुत ज्यादा डेटा होता है, तो हम यहाँ सिटी को भी वापस हम रख देते हैं अपने रो में, तो डेटा कुछ इस तरह का हो जाता है कि पूजा, पूजा को रेस किया तो इसने दिल्ली में इतना सेल किया है, तो ये थोड़ा सा बेटर दिखता है, तो इस तरह से बेटर दिखा सकते हैं। अब इसको और आगे अच्छे से करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये फाइल मैं भेज रहा हूँ, आप लोग इसके ऊपर कीजिए प्रैक्टिस। साथ में कुछ क्वेश्चंस है कि आपको समरी क्रिएट करनी है कि नेम कि किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी सेल किया है और कितनी एमआरपी किस एवरेज, क्योंकि एमआरपी का टोटल होता नहीं तो मुझे एमआरपी का एवरेज चाहिए। किस सिटी में कितना इनवाइस काउंट जनरेट हुआ है और किस किस पर्सन ने कौन सा कोर्स किस सिटी में किस एवरेज ऑफ एमआरपी से बेचा है। तीन क्वेश्चन इस डेटा पे तीन पिवट बना के मुझे भेजिए, ठीक है सर।